गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर सेकंड। इज मैटर अराउंड अस प्योर? सो लेट्स टॉक अबाउट मैटर। हमने पहले भी किया हुआ है कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो मैटर जो भी हमारे पास आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जो हम यूज करते हैं, देखते हैं, टच करते हैं, All these are nothing but matter. So now question arises, is matter around us pure? If we talk about matter, क्या आपको लगता है कि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये all these things are pure? And what does pure mean? और pure का मतलब क्या समझते हैं आप? In general life or in everyday life, we say anything is pure if it is original and nothing is added to it. Like अगर हम बात करते हैं कि मिल्क की, तो हम प्योर मिल्क उसे बोलते हैं जिसमें कोई वाटर वगैरह ऐड करके उसको डिल्यूट ना किया हो एंड कोई और केमिकल्स ना मिलाए हो। बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ केमिस्ट्री। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस और केमिस्ट्री, प्योर सब्सटेंस इज वन which is made up of only one kinds of particle. Now हम बात करते हैं, अगेन बात करते हैं मिल्क की। तो हम बोलते हैं कि अगर हमने अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का या अच्छे मिल्कमैन से मिल्क लिया है तो वो प्योर होगा। मिल्कमैन भी बोलेगा yes it is pure, but actually मिल्क is not pure in the language of science. Let's see how. तो मिल्क की अगर हम बात करें तो इसकी कंपोजिशन क्या है? मिल्क में वाटर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, फैट्स भी होती हैं। सो अगर कोई चीज़ इतनी सारी चीज़ों से मिलके बनी है, अगर कोई भी सब्सटेंस काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, देन इट इज़ नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या हो, कौन होगा, क्या होगा? विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो the examples of pure substances are water, sugar, carbon dioxide, namak like yani ki sodium chloride, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and many more. bahut sari cheeze hain jo ki pure hoti hain. let's ab dekhte hain, baat karte hain water ki. water pure kaise ho sakta hai? देखो हमारे पास कोई सैंपल है वाटर का। सपोज दैट वी हैव वन ग्लास ऑफ वाटर, सो वी विल सी द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज यूनिफॉर्म एंड वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो प्योर सब्सटेंसेस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, समझते हैं। A pure substance has a uniform composition and always has same texture, same color and same taste. So, अगर हम बात करते हैं, अगर एक ग्लास हमारे पास वाटर है या शुगर क्रिस्टल, हम शुगर की बात करते हैं, अगर हम शुगर को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेते हैं, लेकिन उसका क्या है, कंपोजिशन चेंज नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन बनी होती है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से, उसका टेक्सचर चेंज नहीं होता, उसका कलर चेंज नहीं होता, उसका टेस्ट चेंज नहीं होता, देन वी कैन से शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस। नाउ सेकंड पॉइंट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल मेथड। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्क्राइब किया, सेम ऐसा ही है कि अगर हम उसे बीट कर दें, उसको ग्राइंड कर दें, वॉश कर दें, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन पे कोई फर्क ना पड़े, so then we can say that this is a pure substance. And it third and the most important point, most important characteristics of pure substance is that it has fixed boiling and melting point. For example, water has a fixed boiling point of 100 degree Celsius and melting point at 0 degree Celsius. And we are talking about pure water. Pure means free of impurity, like we are talking about distilled water or fresh water. Now next move to
यस वी हैव टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस की हम पहले बात करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस की टू कैटेगरीज हैं फर्दर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इज नथिंग बट अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स। एलिमेंट्स क्या है? अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करने लग जाएं, स्प्लिट करने लग जाएं, एंड देर विल बी एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिटेड इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोई एटम है, हम उसको तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो क्या होगा कि हम उसको किसी और में दो, उसके कोई दो पार्ट नहीं होंगे, जितने भी एटम्स आएंगे वो सारे क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम आएंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन इज आल्सो एलिमेंट, कार्बन कॉपर आयरन। सपोज वी हैव एन सम रोड ऑफ आयरन, अगर हम आयरन को तोड़ने लग जाते हैं, हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन एट ऑल आयरन विल बी आयरन एंड दी पार्टिकल्स फ्रॉम विच आयरन इज मेड अप विल बी आयरन एटम्स। आयरन एटम्स, जो आयरन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? ओनली एंड ओनली आयरन से ही बना होगा, उसका किसी दूसरे एटम के साथ कोई लेना देना, कोई रिएक्शन, कोई बॉन्ड नहीं होगा। सो वी हैव टोटल 118 एलिमेंट्स, आउट ऑफ देम 94 आर नेचुरली नाउ एंड 24 आर आर्टिफिशली मेड इन दी लेबोरेटरीज। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दी एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या है? अपने आप में एक छोटे से छोटा सब्सटेंस है, इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है? एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनी है। लाइक वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। नाउ नेक्स्ट इज, एलिमेंट कैन बी सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स की जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती है? दे कैन बी सॉलिड्स, दे कैन बी लिक्विड्स एंड दे कैन बी गैसेस। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर दी सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर, फ्यू ऑफ देम आर सोडियम कार्बन कॉपर आयरन। एंड इन लिक्विड स्टेट्स देर आर ओनली टू एलिमेंट्स देयर दैट हैव लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, दे आर मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। एंड आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, 12 सॉरी 11 एलिमेंट्स आर दी गैसेज एट रूम टेम्परेचर। दी एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो आई थिंक दिस इज अनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू द एलिमेंट्स पर टॉपिक एलिमेंट्स इन नेक्स्ट वीडियो सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे होम।